India's most advanced, India's most powerful, India's most attractive 150cc bike, Yamaha RN5 version 4. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. What am I always looking for? Shame when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feel good. Yeah, but I was when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but I was when off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. तो ये है अपनी 2024 मॉडल यामाहा RN5 वर्जन 4 इंटेंसिटी वाइट कलर, जिसमें आपको जो है क्विक शिफ्टर स्टॉक सही मिलता है। ये रहा इसका क्विक शिफ्टर। मैं हूँ MN मोटर्स यामाहा भिवानी के अंदर और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1.88 लाख रुपीस इस इंटेंसिटी वाइट कलर का। तो इसमें आपको एक प्रॉपर फुल फेड बाइक, हालांकि RN5 तो सारी फुल फेड ही रही हैं, तो एक फुल फेयरिंग बाइक मिलेगी। और यहाँ पर जो वाइट है ना, उसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पार्कल टाइप भी टेक्सचर देखने को मिलता है। और वाइट कलर के साथ आपको जो है ये काइंड ऑफ रेड और ऑरेंज के बीच वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी मतलब प्यारे लग रहे हैं। और इसमें आपको जो है गोल्डन कलर के यहाँ पर आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो RN5 स्टार्टिंग से ही यंगस्टर्स की पसंद रही है और ये इकलौती ऐसी बाइक है जो कि 150cc होने के बावजूद आपको जो है 150 की टॉप स्पीड भी वो गाड़ी देती है। तो आपको पता है भाई, ये गाड़ी जो है 150 प्लस चली जाती है, 155 भी चली जाती है। और शुरुआत करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको इस तरह का एक बेहतरीन, एक अट्रैक्टिव प्यारा सा लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर ये फोल्डेबल्स, यहाँ पर आपको ये मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर हैंड नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पर है क्लियर विंडशील्ड आपको विंड प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि आपकी स्पीड बरकरार रहे। और यहाँ पर है ब्यूटीफुली अपनी डे टाइम रनिंग लाइट्स, और यहाँ पर है एक बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और साइड में दे रखे हैं ये वाले टर्न सिग्नल। हालांकि अब LED भी आने लगे हैं, आप LED लगवा भी सकते हो इनके अंदर। और साइड से देखते हो तो भाई, इस तरह की अपनी बेहतरीन लुक है। नीचे में आप साइड में आपको RN5 की ब्रांडिंग, यहाँ पर वर्जन 4, और यहाँ पर है यामाहा की ब्रांडिंग, एक छोटा सा क्या काफ़ी जो प्यारा काउल दे रखा है इन्होंने। और पीछे चलते हैं तो ये इसका टेल काउल, और यहाँ पर VVA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, जो कि आपकी 7500 या फिर 7400 RPM के बाद जो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पीछे की टेल लाइट इस तरह की डिज़ाइन है, ये इसकी टेल टाइडी, यहाँ पर हैंड नंबर प्लेट होल्डर, साइड में रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पर दे रखा एक टायर हगर ताकि पीछे वाला जो पिलियन हेडर उस पर छीटे वगैरह ना लगे। एक और टायर अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ताकि अपना जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना, ये लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन है, यहाँ पर आपको ये लिंक दे रखे हैं, तो ये लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन पर डस्ट वगैरह ना लगे, तो इसके लिए दे रखा है। इस तरह का आपको इसमें एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर है ग्रे कलर का, ये आपको इसको प्रोटेक्टर दे रखा है। पीछे में यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का देखने को मिल जाएगा। सिंगल सेंडर बाइक है, और यहाँ पर आपको इस तरह के फुट हैंगर्स, इस तरह के पिलियन के ये पैर रखने वाले फुटरेस्ट, और यहाँ पर आपका राइडर का, ठीक है। और इस तरह का इसका जो पीछे का डिज़ाइन है, इस तरह का सीट का डिज़ाइन है। यहाँ पर एक स्ट्रैप भी रखी है, हालांकि इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो खड़ जाएगी। अगर आपको सामान वगैरह है, बुक वगैरह रखनी है ना, यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर है की होल पीछे वाली सीट को अनलॉक करने के लिए। स्टेप अप स्प्लिट सीट डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलता है। जो सीट हाइट है वो 815 mm, मतलब जो शोल्डर हाइट है ना, इजीली इस गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की सीट है। यहाँ पर आपको इस तरह का टैंक देखने को मिलता है, 3 सेक्शन में डिवाइड है, 1, 2, 3। 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। E20 यहाँ पर लिखा हुआ, जो कि एथेनॉल जो फ्यूल है वो सपोर्ट करेगी गाड़ी। यहाँ पर है यामा का लोगो। इस तरह के यहाँ पर आपको इसमें गिल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिज़ाइन को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं। और इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, ताकि जो लेडीज़ बैठती हैं उसका पल्लू वगैरह ना यहाँ पर लगे, मतलब चेन सेट में या फिर व्हील में ना उलझे। ओपन चेन सिस्टम है, दैट मीन्स टाइम टू टाइम आपको ल्यूब एंड क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलती है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, गाड़ी का जो वेट कम करने के लिए, हैंडलिंग और कॉर्नरिंग पर इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। साइज 10 कट ऑफ सेंसर, क्विक शिफ्टर अलाउज यू टू चेंज द गियर विदाउट यूजिंग क्लच एंड थ्रॉटल, ठीक है। मेन स्टैंड इसमें आता नहीं है, आपको पैडॉक स्टैंड आपको इसमें परचेज करना पड़ेगा। एंड जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना, उसका प्रीलोड आप एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे कंपनी से सेटिंग आएंगे ना वैसी मिलेगी। यहाँ पर इस तरह का टेक्सचर्ड पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है अपना कॉकपिट,
थोड़ा सा ना क्लिप ऑन हैंडल बार हैं, काफ़ी अग्रेसिवली सेट किए गए हैं, V3 जितना नहीं है लेकिन अच्छे हैं, आपको एक प्रॉपर लुक देती है। और स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ा सा झुक के बैठोगे ना तभी अच्छे लगते हैं बाइक, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह की आपको की देखने को मिल जाएगी कि ये प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन लगा रखा है, ठीक है। स्लिपर क्लच, तो इसमें आप जैसे कि बड़े गियर से छोटे गियर में जाओगे झटका नहीं लगेगा इसके अंदर गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको बैक लाइट स्विचेस नहीं देखने को मिलते हैं। हाई बीम लो बीम पास बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न, डुअल हॉर्न है, और ये सेल्फ बटन, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर है हैजार्ड को ऑन या ऑफ करने का, देखो अभी हैजार्ड जो है दोनों साइड के ऑन हो चुके हैं, कंपनी से लगा ला मिल जाएगा ताकि आपको वायर वगैरह बाहर से कुछ कट ना करना पड़े। यहाँ पर है इसकी इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए, देखो एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ अब ऑन करता हूँ। इसमें आपको एम मॉडल में आपको जो है TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, फिलहाल इसमें आपको ऐसी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉलर अलर्ट, मैसेज अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऐसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर आपकी यामाहा का लोगो, टेल्टे लाइट्स आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएंगी, ऊपर गियर इंडिकेटर। यहाँ पर आपको दो राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट और स्पोर्ट, जिसमें आपके जो मीटर की जो लेआउट है ना वो चेंज होता है, खाली पार वगैरह कुछ फर्क नहीं होता। टाइम है, टैकोमीटर है, स्पीड है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऑडोमीटर और फ्यूल गेज, और इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एवरेज और पर आवर स्पीड, और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इस गाड़ी के अंदर है, तो पीछे में आप TCS जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसके अंदर स्लिप नहीं हो गाड़ी बेसिकली। ये बैटरी वोल्टेज फिलहाल शो नहीं कर दी, वो भी शो करता है। कूलेंट का टेम्परेचर एक्चुअल डिजिट में आपको शो करेगा, बास में शो नहीं करता, फिलहाल 23 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। यहाँ पर आपको ट्रैक मोड, इसको प्रेस कर रखेंगे तो ये ट्रैक मोड लग गया, इसमें आप लैप टाइमर या फिर लैप जो भी है इसमें वो शो होता रहेगा। इसको फास्टेस्ट लैप और मेरे हिसाब से प्रेस कर रखेंगे तो फिलहाल से अपना नॉर्मली स्ट्रीट मोड आ गया। तो मीटर काफ़ी अच्छा है, इजी टू रीड है, बड़ा मीटर है, ठीक है। और इस तरह की आपको इसमें हैंडल टी देखने को मिलेगी, और एम लेते हो तो यहाँ पर आपको कवर्स वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब गाड़ी का जो वेट है जस्ट 141 किलोग्राम है विद फ्लूइड्स, और यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 170 मिलीमीटर की। यहाँ पर आपको दो कैटलेटिक कन्वर्टर मिलेंगे, और इस तरह का यहाँ पर आपको कवर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेडिएटर भी मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी जो है लिक्विड कूलिंग वाली गाड़ी है, और जो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर, सीट हाइट है 815 मिलीमीटर, और ये इंडिया की मोस्ट पावरफुल 150 सीसी की बाइक यामाहा R15 V4। SOS इंजन है, E20 BS6 कंप्लायंट, 6-speed गियरबॉक्स, लिक्विड कूलिंग, फ्यूल इंजेक्शन के साथ गाड़ी स्टार्टिंग से ही आ रही है। यहाँ पर आपको डुअल थ्रॉटल केबल सिस्टम देखने को मिलेगा, तो इस गाड़ी जो मैक्सिमम पावर है 18.4 BHP मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 Nm का। यहाँ पर आपको स्लिपर क्लच, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है, और इसकी टॉप स्पीड है 150 प्लस है। माइलेज है 45 की आपको आराम से मिल जाएगी इस गाड़ी से, और अगर आप ज़्यादा भगाएंगे तो भाई वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको चलाते हो। फ्रंट में मिलते हैं गोल्डन कलर के 37mm के अप साइड डाउन सस्पेंशन, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगते हैं इस गाड़ी के अंदर, और इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS। फ्रंट डिस्प्ले डिस्प्ले का साइज है 282mm बाय ब्रेम्बो 4-piston कैलिपर एट द फ्रंट, एंड रियर में आपको मिलते हैं 220mm का डिस्प्ले बाय निस्सिन का, इसमें 20-piston ब्रेक कैलिपर है, और ये इसकी पीछे वाली ABS रिंग। फ्रंट में रियर में 17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, और फ्रंट टायर का साइज है 100mm, रियर टायर का साइज है 150mm। इसमें आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर है, और व्हील का जो डायमीटर है वो अपना 17 इंचेस है। इसमें आपको जो है रेड कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, मतलब रेड और ऑरेंज के बीच के। एल्युमिनियम सिंगम, और यहाँ पर इसका पैरामीटर शो फ्रेम होता है वो है, स्टार्टिंग से वही आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। तो आई गेस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी इस गाड़ी के रिलेटेड, तो काफ़ी एक बेहतरीन अट्रैक्टिव बाइक है। आप जहाँ पर भी इस कलर को अगर खड़े करते हो ना, तो मतलब हर कोई मुड़ मुड़ के देखेगा। R15 इसे लोग लेते हैं यंगस्टर्स की पसंद, और मैं भी भाई हो सकता है एक दिन कभी ले ले। तो अगर आप गाड़ी लेने देखिए तो यामाहा मोटर्स MN भिवानी के अंदर अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल आपको साइड मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।